गाइस मारियो के तौर पर आप सबका स्वागत है। तो गाइस इसको पढ़ा नीचे कर लेते हैं, इसलिए इसको ऊपर करते हैं क्योंकि काम करने का मजा नहीं जाता है, आपको अच्छा नहीं लगता है। तो गाइस आज मैं बनाऊँ दाल चावल और आलू का चोखा, मेरे को देसी स्टाइल में। तो गाइस ऐसे हमारे बिल्कुल बंद रहे, चलो अभी हम क्या करते हैं आप लोगों को दिखाते हैं और ढेर सारा प्यार और सबको नीचे दे देना। अभी हम पहले गैस की बिल को जो ऊपर निकलाओ ये हम खरीदे थे जब कितने साठ रुपये साठ रुपये बेच रहे हैं पर मैं लगभग मेरे पास टेस्ट नहीं था। तो अब बेचे थे इसमें पानी को लगने पानी थी गिर गया था तो कोई बात नहीं, और गिर गया था उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा लगे चालू करते हैं हम लोग, ये जलाते हैं जल गए आप देख सकते हो। अब मैं पानी चढ़ा दी हूँ, अब मैं दाल को रेडी करती हूँ। तो एक साथ तो आप लोग देखना तो ऐसे दाल बनाए, ठीक है भाई। अभी हमारे ब्लॉग में बन गए। सबसे बुरी खबर मैं बताना चाहती हूँ, गैस खत्म हो चुका है। अब हम खाना बनाए किसे, जैसे हम दाल चढ़ाने वाले थे तो ख़त्म हो गए, अब हम करें तो क्या करें। तो हम सोचे कि अब भूखे रह तो नहीं सकते, बच्चे भी है दो, तो खाना तो बनाना होगा कैसे भी। तो देखो मैंने ये ईंटा लगाई हूँ, अभी मैं लकड़ी में खाना बनाऊँगी। तो गाइस मैं जब लकड़ी में खाना बनाऊँगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी, पर लकड़ी का खाना बहुत टेस्टी रहता है, आप लोग भी ज़रूर बना के खाना। तो अभी मैं मेहनत करूँगी लकड़ी में। तो गाइस ज़रूर ज़रूर से हमें लकड़ी में खाना बनाने के लिए, दाल भात भात दाल आलू चोखा के लिए सब कम से कम एक लाख यूज तो चल जाना चाहिए, क्योंकि इतना मेहनत करके बनाऊँगी आप लोगों के लिए। तो आप लोग प्लीज़ गाइस हमें बहुत ढेर सारा प्यार देना। तो चलते उसको रेडी करते, पहले बनाते फिर पानी चलाते, फिर मेरा हस्बैंड लकड़ी काट रहे, ठीक है गाइस। हमारे ब्लॉग में ऐसे आप सब बने रहे और हमें ढेर सारा प्यार देना गाइस। चलो अगले वीडियो में चलते हैं हम लोग पानी जब चलाएँगे। तो गाइस देखो सीमेंट सोया है, इसको हम बोल रहे उठा रहे हैं, नहा लो नहा लो नहा लो, लेकिन सुनते ही नहीं, परेशान। देखो देख रहे हो गाइस हम लकड़ी में खाना बना रहे हैं, लकड़ी तो सही जल रहा है, जब भूख जाएगा ना फूक फूक के हम परेशान हो जाएंगे। तो ये पानी चढ़ा दिए, जब चावल डालेंगे खाना उबलेगा तब भी खाएंगे, ठीक है। सो गाइस देख रहे हो अभी हम दाल और पानी डाल दिए, उसके बाद नमक डालते हैं, ठीक है। नमक और क्या डालेंगे, हल्दी। हल्दी कहाँ है बाबू? हल्दी 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 हल्दी, थोड़ा सा हल्दी डाल देते हैं और क्या डालेंगे, एक प्याज। ओह कहाँ फेंका गया प्याज, किधर गया प्याज? ओ माय गॉड प्याज इधर घुस गया। ये देखो क्या कर रहा है, क्रीम लगा रहा है। तो छोटा कहाँ गया प्याज, बस इतनी बड़ा। रुकिए हम काट कर दिखाते हैं आप लोग सबको, ठीक है। तो भाई देख सकते हो मैं इसमें प्याज भी डाल दी हूँ, दाल नमक हल्दी और प्याज डाल दी हूँ। अभी मैं टमाटर,
तो गाइस देख सकते हो मैं टमाटर भी डाल दी, प्याज भी डाल दी, सब कुछ डाल दिए, चावल भी हो चुका। अभी जा रहे इसको चूल्हे पे चढ़ाते हैं, बन जाएगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। देख सकते हो मैं लहसुन और मिर्चा मई कर ली हूँ दाल छोंकने के लिए, और उसके बाद चलो बाहर में दिखाती हूँ आप सबको। शिमल शिमल बिजी है, बिजी मतलब क्या कर टेक 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 कर रहा है, ये बैठा है, और ये लड़की लोग क्या कर रहा है, तुम लोग बैडमिंटन खेल रहा है, अरे काहे लड़ रहा है, बहुत परेशान होते तुम लोग, देखो देखो देखो, अरे ये देखो ये सिमल सिमल बचा रही लोग को, अरे 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 ना जा नमक तो देख सकते हो हमारा दाल बस हो ही गया है, हाँ शायद हो गया, नहीं हुआ ना, अरे थोड़ा सा और पाँच मिनट के बाद पानी डाल के छोंक देंगे इसको, फिर इसके बाद दिखाते आप लोगों को, ठीक है गाइस। ऐसे हमारे ब्लॉग में बने रहे, अच्छी अच्छी ब्लॉग देखते रहे। क्या कर रहे तुम गाइस, देख सकते हो हमारा दाल हो चुका है, पानी डाल चुके हैं, अब इसको छोंकते, ये दाल वहाँ डालेंगे, उसके बाद उसको अंदर में छोंकेंगे, ठीक है गाइस। देखो हमारा दाल कितना सुंदर दिख रहा है, उसमें डालेंगे और उससे छोंकेंगे, छोंकेंगे दिखाते हैं क्या क्या छोंकते हैं। तो गाइस देख सकते हो हम छोंक रहे, हो गया दाल चावल हो गया, अभी आलू उसी जाने जा रहे हैं। आज देखिए मिर्चा और प्याज और जीरा पाउडर डाले हैं, अभी आलू उबला, अभी इसको थोड़ा ठंडा होने देते, इसको भी ठंडा होने देते, उसके बाद छीलेंगे, फिर इसको हाथ से सानेंगे, तो हमारा आलू चोखा रेडी, दाल बात आलू चोखा रेडी। जब आलू चोखा बन जाएगा तो दिखाते हैं, उसके बाद देखते हैं। और अभी सिमल चल गया कुक के घर, क्या करे समझ नहीं आ रहा, ठीक है। ऐसे हमारे ब्लॉग में हमेशा बने रहे और ऐसे अच्छी अच्छी ब्लॉग देखते रहिए, अगर हमारी कुकिंग अच्छी वीडियो लगती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना गाइस। भात दाल चोखा चटनी टमाटर चटनी, ये वाला एक्स्ट्रा हो गया, इसका तो नहीं बोले थे फिर भी बना लिए हम आलू टमाटर चटनी। सो हलवा गाइस, आप लोग तो देख ही लिए होंगे हमारी झारखंडी स्टाइल खाना पकाना, तो आप लोग देखे, पहले मैं गैस में चढ़ाई, जब गैस ख़त्म हो गई तो मैं फिर लकड़ी चूल्हा में बनाने लगी। तो गाइस आप लोग बताओ हमारे भात दाल आलू चोखा और टमाटर की चटनी कैसी लगी हमारी वीडियो, अगर अच्छी लगी तो अच्छे अच्छे कमेंट करना और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और हमें ढेर सारा प्यार देना। और गाइस मैं कहना चाहती हूँ अगर आप लोगों को ऐसी हमारी झारखंडी स्टाइल की खाना पसंद है तो गाइस आप लोग ज़रूर हमें कमेंट में बताएं, तो मैं ऐसे ही मैं डेली में खाना पकाऊंगी और आप लोगों के साथ ब्लॉग बनाऊंगी और आप लोग ऐसे ढेर सारा हमें प्यार देना। और गाइस अभी मैं घर जाने वाली हूँ क्योंकि कल मैं ठीक से बना भी नहीं पा रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड थे, इस वजह से मैं बना नहीं पा रही थी, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और गाइस अगर हमारा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि किसको किसको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है, और हमारे बातें भी किसको किसको अच्छा लगता है। मैं काली दिख रही हूँ इसलिए काली दिख रही हूँ क्योंकि मैं नहाई भी नहीं हूँ, अब गर्मी का सीज़न है, पानी का बहुत ज़्यादा यहाँ प्रॉब्लम होता है, तो और सबसे बड़ी बात अब लकड़ी चूल्हा में खाना पकाना होगा क्योंकि आज मैं गैस लाने जाने वाली थी लेकिन आज मैं लेट हो चुकी काम करते करते। अभी टाइम कितना बज रहा है तो गाइस कितना टाइम हो रहा है, ओ माय गॉड अभी 1 बजने में सिर्फ 3 मिनट बाकी है। तो गाइस अभी मैं घर जाऊंगी, घर जाने के बाद सारे काम करूंगी, फिर से लकड़ी चूल्हा में खाना बनाऊंगी। तो गाइस अगर आप लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। हाँ और एक बात मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप लोग सारे ब्लॉग देख लेते ख़त्म होने के टाइम लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना और हमें ढेर सारा प्यार देना। और गाइस आप लोग हैं तो मैं हूँ, आप लोग ने तो मैं कुछ भी नहीं, तो बस जो भी हूँ मैं आप लोगों के वजह से हूँ। तो गाइस तो यहाँ पे मैं आप इस घर में जो मैं दिख रही हूँ यहाँ पे मैं काम करती हूँ, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, वो लोग आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, तो इसीलिए गाइस तो क्या करें, सबको भूख लगती है उसी तरह मुझे भी भूख लगती है, तो काम करना तो ज़रूरी है।
चाहे मैं जितने भी बड़े बन जाओ जितने भी बड़े बन जाओ तो मैं काम तो करते ही रहूँगी ऐसे ही, क्योंकि मैं कोई छोटा बड़ा नहीं समझती, सब मेरे बराबर है। तो इसीलिए तो मैं कहती हूँ, तो गाइस मैं जा रही हूँ, और मुझे आंटी आज क्या दी, दो बैगन दी और दो चार टमाटर दी, क्योंकि मुझे बैगनी बना के खाने का मन कर रहा। तो गाइस अगर हम बैगनी बनाएंगे तो आप लोगों को ब्लॉग में ज़रूर दिखाएंगे, ठीक है? ओके गाइस बाय, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में। आज कितना तारीख है, आज 22 है ना, 22 तारीख की ब्लॉग आज बन चुकी है, और कल 23 तारीख की ब्लॉग अब रेडी करते हैं हम। आज मैं रात से रेडी करने लग जाती क्योंकि बनता नहीं है ना, मेरे इतना सारा काम रहता है, आप लोग तो जानते हो। तो गाइस वीडियो ख़त्म होने से पहले लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, और हमें ढेर सारा प्यार देना। सो मच, थैंक यू।